हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 2.3 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे। 2.3 में हमसे क्या कह रखा है, प्रश्नावली 2.3 में हमसे कह रखा है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से पी ऑफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो जी ऑफ एक्स है, ये तो हमारा है भाजक, जिससे हमको भाग देना है, ठीक है। और जो पी ऑफ एक्स है वो हमारा है भाज्य, जिसमें भाग देना है, ठीक है। या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। पी ऑफ एक्स जो हो गया वो तो हो गया डिवाइडेंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स, हो गया डिवाइजर, ठीक है, ये हो गया डिवाइजर। तो चलिए सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देते हैं, और हमको निकालना है एक तो क्यू निकालना है, और एक हमको रिमाइंडर निकालना है, मतलब भागफल निकालना है, और एक हमको शेषफल निकालना है। भागफल और शेषफल दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है जिसमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और g ऑफ x की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर माइनस 2। तो भाग के लिए हम क्या करते हैं, भाग के लिए हम करते हैं सबसे पहले इस प्रकार से बनाते हैं, और अंदर लिख देंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहां पर जो भाजक है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, भाजक की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का भाग देंगे हम एक्स क्यूब में, कितनी बार जाएगा, तो सबसे पहले एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पर दो पावर है, तो जब दो पावर को तीन बनाएंगे तो एक एक्स से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आ गया एक्स क्यूब, ठीक है। उसके बाद में x को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स। अब इस माइनस टू एक्स को कहां लिखना है, x के नीचे, तो 5x के नीचे हम माइनस टू एक्स को लिख देंगे। इस प्रकार से लिख दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देखोगे कि अब हमको क्या करना है, साइन चेंज करना है। हमको साइन चेंज कैसे करना है, जहां प्लस का है वहां पर माइनस का कर देंगे, और जहां माइनस का है वहां प्लस का कर देंगे। ये हमारा प्लस का साइन है यहां पर, तो इसको माइनस का कर देंगे, और ये माइनस का साइन है माइनस टू एक्स, तो यहां पर प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया हमने, साइन चेंज क्यों किया, जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते समय पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को माइनस से गुणा करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से माइनस का साइन, तो जहां जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, जब माइनस होता है वहां प्लस हो जाता है, जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, ठीक है। तब साइन चेंज कर दिया, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस का है और यहां पर एक्स क्यूब माइनस का है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद में ये कुछ भी, यहां पर कुछ भी संख्या नहीं है, इसका मतलब इसको एज इट इज लिख लेंगे हम, तो माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज लिखा आ गया नीचे। ये प्लस का है और ये भी प्लस का हो गया, 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x किसका हो गया, प्लस का हो गया, लिख दिया हमने। माइनस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब माइनस 3 हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब क्या करेंगे हम, अब वापस हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 में। तब देखिए यहां तो एक्स स्क्वायर है ही, हमको चाहिए माइनस का 3x स्क्वायर, तो चूंकि एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर हम तो अगर एक बार देते तो केवल एक्स स्क्वायर आता, और अगर तीन बार देंगे, थ्री टाइम्स देंगे, तो 3x स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस लाने के लिए हमको यहां पर माइनस के 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 3 मैंने ऊपर लिख दिया, जैसे ही माइनस का 3 ऊपर लिखा तो माइनस का 3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर, इस प्रकार से बन जाएगा। कलर चेंज कर देता हूं मैं, माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद में माइनस के 3 को जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 आया। अब प्लस का 6 x की टर्म तो नहीं है, कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसको कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 6। अब क्या करेंगे, वापस लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद में साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने पर देखिए यहां पर जो माइनस का साइन है ये किसका हो गया, प्लस का साइन हो गया, और यहां पर प्लस का साइन है तो ये किसका हो गया, माइनस का साइन हो गया।
तो अब ये माइनस का है ऊपर वाला, ये नीचे प्लस वाला है, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि प्लस में से प्लस का थ्री में से माइनस का थ्री जाएगा तो जीरो आएगा। यहां पर कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज उतार लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का सेवन एक्स, और चूंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस का सिक्स और माइनस का थ्री कितना बन गया, माइनस का नाइन। तो ये तो हमारा हो गया रिमाइंडर, ये तो हमारा क्या बन गया, भागफल। इसको हम लिखेंगे भागफल, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं रिमाइंडर, जिसको R से डिनोट करते हैं। और उसके बाद में ऊपर जो आया था x माइनस थ्री, ये x माइनस थ्री हमारा क्या बन गया, q, सॉरी ये तो हमारा हो गया शेषफल, मैं उल्टा बोल गया, ये जो हमारा बचा है ये तो रिमाइंडर बचा है, इसको हम बोलेंगे शेषफल। 7x माइनस नाइन तो हो गया शेषफल, और ये हो गया हमारा q, जो कि हम बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा हो गया x माइनस थ्री इज क्योसेंट मतलब भागफल, और 7x माइनस नाइन ये हमारा हो गया शेषफल, जिसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार देख लीजिए आप किस प्रकार से हमने किया है। एक्स स्क्वायर माइनस टू का भाग दिया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री में, ठीक है। एक्स टाइम दिया, एक्स को गुणा किया एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब आया, यहाँ पर माइनस दो को गुणा किया एक्स से तो माइनस दो एक्स आया, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद में ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस का पाँच एक्स और माइनस सॉरी प्लस का दो एक्स कितना बन गया सात एक्स, प्लस का माइनस तीन को नीचे उतार लिया, फिर माइनस तीन से भाग दिया, माइनस तीन को गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो ये बन गया माइनस का तीन एक्स स्क्वायर। उसके बाद में एक्स माइनस के तीन को माइनस दो से गुणा किया तो प्लस का सिक्स बन गया, फिर साइन चेंज करने के बाद में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बन गया सात एक्स माइनस नाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया शेषफल, और ऊपर एक्स माइनस थ्री था वो हो गया भागफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या रखा है, x टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव और जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। दोस्तों जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जब क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब हम पावर फोर लेते हैं तो हमारे पास में आएगा ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स टू द पावर थ्री प्लस सी एक्स टू द पावर टू या सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस प्रकार से ये टर्म चलती जाती है, इसका मतलब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस प्रकार की फॉर्म में जो है समीकरण आनी चाहिए। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है पी एक्स की वैल्यू तो हमको गिवन है एक्स टू द पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पांच और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। अब जब आप इस समीकरण को देखोगे तो यहां पर एक्स क्यूब वाली टर्म जो है ना वो है ही नहीं यहां पर, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे तो सही उसको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भाग वाली टर्म में इसको लिखते हैं इस प्रकार से, ये हमने भाग वाली टर्म लिख ली और यहां पर जो समीकरण दे रखी है उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले चार वाली टर्म आएगी एक्स टू द पावर फोर, उसके बाद में देखिए एक्स क्यूब आना है इसके बाद में, तो हम यहां पर प्लस लगाकर और एक्स क्यूब हमको दे नहीं रखा तो इसको जीरो मान लेंगे, ठीक है, जीरो एक्स क्यूब। उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर गिवन है हमको, उसके बाद चार एक्स प्लस का दे रखा है तो प्लस का चार एक्स लिख लिया और फिर प्लस का पांच लिख लिया हमने, ठीक है। और देखिए यहां पर ये जो टर्म है ये इस प्रकार से लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, मतलब कॉन्स्टेंट पहले ले रखा है और जो एक्स वाली टर्म है वो लास्ट में ले रखी है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये जो माइनस वाली टर्म है उसको पहले एक्स के बाद में एक्स स्क्वायर के बाद में लिख लेंगे और कॉन्स्टेंट वाली टर्म उसको बाद में लिखेंगे। अब हमारे पास में जी हो गया, अब हम भाग दे लेते हैं इसका। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर का भाग देंगे एक्स फोर में, कितने टाइम जाएगा, मैंने आपको बताया था कि दो बार गुणा करने पर एक्स को दो बार गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आता है,
तीन बार गुणा करने पर एक्स क्यूब आता है और चार बार गुणा करने पर एक्स की पावर फोर आता है। तो दो तो हमारे पास में है ही, हम क्या करेंगे एक्स की पावर टू एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं। जब एक्स स्क्वायर से भाग दिया तो हमारे पास में क्या बन गया एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर एक्स फोर बन गया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणा किया माइनस एक्स से तो हमारे पास बनेगा माइनस का एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज किया हमने, देखिए यहां पर प्लस का साइन था एक्स फोर के पास में प्लस का साइन था तो माइनस का हो गया, एक्स क्यूब के पास में माइनस का साइन है तो प्लस का हो गया और एक्स स्क्वायर के पास में प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो गया। एक्स फोर से एक्स फोर तो कैंसल आउट हो गया। अब चूंकि यहां तो ये जीरो था ही, इसको तो हमने केवल माना था, लेकिन एक्चुअल में क्या वैल्यू है हमारे पास में एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिख दिया हमने एक्स क्यूब। उसके बाद में देखिए माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए माइनस का चार एक्स स्क्वायर। अब चार एक्स के नीचे कुछ भी नहीं है तो प्लस का चार एक्स एज इट इज लिख लेंगे हम और प्लस का पांच एज इट इज लिख लेंगे। इस प्रकार से संख्या आ गई हमारे पास में। अब हमको वापस भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, किसमें भाग देना है इसमें भाग देना है, ये जो नई संख्या आई है हमारे पास में नया नंबर जो आया है उसमें हमको भाग देना है। तो अब देखिए एक्स वाली टर्म है ही, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और यहां पर एक्स क्यूब वाली टर्म है, कितनी बार भाग देंगे एक्स टाइम्स भाग देंगे तो पूरी की पूरी संख्या हमारे पास में आ जाएगी। तो हम भाग देंगे प्लस एक्स से, यहां पर हमने प्लस एक्स लिख दिया और प्लस एक्स का भाग जब सॉरी एक्स स्क्वायर का भाग एक्स बार दिया हमने एक्स क्यूब में तो हमारे पास में नंबर क्या आया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब। उसके बाद में माइनस एक्स और प्लस एक्स मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद में एक्स इंटू वन क्या बन गया प्लस का एक्स, ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। फिर क्या करना है साइन चेंज करना है, हमने साइन चेंज कर दिया, जहां प्लस का है वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस है वहां प्लस कर दिया और जहां प्लस है वहां माइनस कर दिया, ठीक है। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। उसके बाद में देखिए यहां पर माइनस का चार एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो हमारे पास में आ गया माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। उसके बाद में ये प्लस का चार एक्स है और ये माइनस का एक्स है तो हमारे पास में आ गया प्लस का थ्री एक्स और उसके बाद में प्लस पांच हमने ऊपर से उतार लिया एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, यहां पर एक्स वाली टर्म कंप्लीट हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए एक्स स्क्वायर का यहां पर भी एक्स स्क्वायर है और यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है तो अब लाना कितना है माइनस का तीन, कितना लाना है माइनस का तीन लाना है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली माइनस के तीन से डिवाइड कर देंगे, माइनस का तीन से जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। उसके बाद में माइनस के तीन को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के एक्स से तो क्या आएगा प्लस का थ्री एक्स, तो हमने प्लस का थ्री एक्स लिख दिया। उसके बाद माइनस के थ्री को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस के वन से तो माइनस का थ्री हो गया, तो माइनस का थ्री हमने यहां पर लिख दिया। लाइन ड्रॉ कर देंगे और जो प्लस का है साइन चेंज करना है ना, तो जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे और जहां प्लस माइनस है वहां प्लस कर देंगे, तो ये प्लस का हो गया ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये तो कैंसल आउट हो गया। और उसके बाद में देखिए ये कितना हो गया, ये प्लस का माइनस सॉरी प्लस का थ्री एक्स और माइनस का थ्री एक्स ये भी कैंसल आउट हो गया, यहां पर ओनली कितना बच गया प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस एट, ये प्लस एट बच गया, ठीक है। तो हमारा जो शेषफल आएगा वो तो आएगा आठ और जो भागफल आएगा क्वोशेंट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो मैं क्यू की वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, क्यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और r जो हो गया रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया 8 प्लस का 8, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या रखा है चेक सॉरी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा। फिर 2.3 का
जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं. चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल. अब हमको ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है. कैसे पता चलेगा? हम जब सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल का भाग देंगे. देखिए ये चेक करना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है. तो हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12. इसमें हमको भाग देके देखना है t2 माइनस 3 का और ये पता करना है कि ये इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है या नहीं. तो कैसे पता चलेगा? जब हम इस पहले बहुपद का फर्स्ट पॉलिनोमियल का भाग सेकंड पॉलिनोमियल में देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. अगर जीरो आ गया इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो हम दोनों गुणनखंड लिख लेते हैं. हमको भाग देना है टी स्क्वायर माइनस 3 का और भाग किस में देना है तो ये किसकी वैल्यू होगी? जो ये वैल्यू होगी जी ऑफ एक्स की. ठीक है, ये वैल्यू होगी जी ऑफ एक्स की और जो गुणनखंड जिसमें भाग देना है वो है टी टू टी टू द पावर 4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 माइनस 12. अब देखिए पहले तो ये चेक करना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या. चार घात आ रही है, फिर तीन आ रही है, फिर दो आ रही है, फिर एक आ रही है, मतलब ये तो बिल्कुल सही है. ऊपर वाला दे रखा है t2 माइनस 3 तो पहले तो इसको ax2 प्लस bx प्लस c, बीच में bx वाली टर्म भी तो आनी चाहिए ना, तो bx वाली टर्म तो है ही नहीं यहां पर, तो पहले तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने मन से यहां पर देखिए टी स्क्वायर फिर प्लस में 0t लिख देंगे. तो 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा अपने आप. फिर माइनस 3 लिख देंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई. अब हम इसका भाग दे लेंगे इसमें और हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. मतलब जो शेषफल है हमारा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. 0 का मतलब होता है पूरा पूरा भाग जाना. तो हम भाग दे लेते हैं सबसे पहले. तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से बनाते हैं ना, यहां पर लिखेंगे 2t4 माइनस सॉरी प्लस में है 3t3 माइनस 2t2 माइनस 90 और माइनस का 12. और अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखी थी? t2 प्लस 0t माइनस 3, वो इसको यहां पर लिख देंगे. इसको यहां पर लिखेंगे हम t2 प्लस 0t माइनस 3. ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे. अब देखिए यहां पर t2 है और यहां पर 2t4 है, तो सबसे पहले हमको t2 का भाग देना है. 2t4 में कितने टाइम जाएगा? 2 लाना है तो हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ठीक है. उसके बाद में t2 लाना है तो t2 भी लिखना पड़ेगा. तो जब 2t2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2t2 को मल्टीप्लाई करेंगे t2 से तो हमारे पास में क्या आएगा? 2t4 आ गया. उसके बाद में 2t2 को 0t से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? 0t3. यही तो आएगा 0, क्योंकि 0 से जब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे 0 हो जाएगा. तो यहां पर लिखेंगे प्लस 0t3. हालांकि t3 भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी t2 से t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. उसके बाद में 2t2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो हमारे पास में क्या आएगा? जब 2t2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6t2 आएगा. तो माइनस का 6t2, उसको t2 के नीचे लिख दिया. फिर लास्ट में क्या करना है हमें? इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर हमको क्या करना है? साइन चेंज करने हैं, जहां प्लस का है वहां माइनस का और माइनस का है वहां प्लस का. तो यहां प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा
और ये चूंकि जीरो हमने माना है तो ऊपर से एज इट इज नीचे आ जाएगी वैल्यू। अब हमने क्या कर दिया, देखिए यहां पर हमने एज इट इज लिखी थी तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 3t³, ये प्लस का 6t² हो गया और ये माइनस का 2t² है, तो यहां पर आएगा प्लस का 6 में से 6 में से 2 गएंगे जाएंगे तो कितने बचेंगे 4t², यहां पर कुछ भी नहीं है तो ऊपर से 9t और माइनस का 12 एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब हमको वापस t² प्लस 0t माइनस 3 का भाग देना है इस वाली संख्या में। देखिए यहां पर 3t³ है और यहां पर t² है, तो हम देखिए क्या करेंगे, प्लस के 3t से भाग देंगे। प्लस का 3 क्यों लिया, क्योंकि यहां पर 3 लाना है, t से डिवाइड, t क्यों लिखा, क्योंकि t² को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ आएगा, ठीक है। तो अब 3t को हमने मल्टीप्लाई किया t² से, तो हमारे पास में आ गया 3t³, ठीक है। उसके बाद में 3t को 0t से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस का 0t², ठीक है। उसके बाद प्लस 3t को जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 9t, ठीक है। फिर हमको लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर साइन चेंज करने हैं। जब हमने साइन चेंज कर दिए तो साइन चेंज में जहां माइनस है वहां प्लस और जहां प्लस है वहां माइनस, ये हो गया माइनस, ये माइनस और ये हो गया प्लस, ये तो कैंसल आउट हो गया क्योंकि ये तो जीरो है, ऊपर से हमने 4t² एज इट इज उतार लिया 4t², ये प्लस का 90, ये माइनस का 90, ये तो हो गया जीरो, ये भी कैंसल आउट हो गया और ऊपर से माइनस का 12 एज इट इज आ गया। अब वापस हमको क्या करना है, वापस t² यहां पर है और 4t² यहां पर है, कितने से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 4 बार, तो हम यहां पर लिखेंगे प्लस का 4। अब प्लस के 4 को जब t² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4t², ये हमारे पास में आ गया 4t². उसके बाद में फिर वापस 4 को मल्टीप्लाई किया 0t से, तो 0t की टर्म तो है ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 4 को मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से, तो 4 3 12, और किसका आएगा माइनस का 12, तो यहां पर लिख दिया माइनस का 12। वापस लाइन ड्रॉ की हमने और साइन चेंज करने है हमें, तो साइन चेंज करने पर जहां प्लस का है वहां माइनस का, जहां माइनस का है वहां प्लस का, तो ये प्लस सॉरी ये माइनस का हो गया। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास में जीरो, ठीक है। तो ये इस जीरो, ये चूंकि ये क्या है रिमाइंडर है, ये शेषफल है, शेषफल क्या आ गया जीरो आ गया, तो शेषफल जीरो आते हमारे पास में ये प्रूव हो गया कि ये जो है t² माइनस जो 3 था, t² माइनस 3 जो था वो दिए हुए बहुपद का, दिए गिवन पॉलिनोमियल का एक क्या है फैक्टर है, एक बहुपद, एक गुणनखंड है, ठीक है दोस्तों। तो हमने करके देख लिया, पूरा डिवाइड करके देखा तो हमारे पास में आंसर क्या आया जीरो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही ले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, x² + 3x + 1 इसका भाग देना है 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में, ठीक है करके देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे जो ये वाली टर्म है, ये सेकंड px वाली टर्म है वो लिखेंगे, px वाली टर्म हमारे पास में है 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 और जो भाजक वाली जगह है वहां पर लिखेंगे हम x² + 3x + 1 x² + 3x + 1 + 1, ठीक है इसको थोड़ा सही से लिख देते। अब देखिए हमको सबसे पहले यहां पर x² है, यहां पर x4 है और इसकी मल्टीप्लाई में 3 है, तो सबसे पहले 3 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा,
इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x4 के लिए, x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर सबसे पहले ले लिया, 3x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर बन गया 3x4, ठीक है। उसके बाद मैं 3x स्क्वायर को जब 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, इसका आएगा प्लस का 9, और x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब 9x क्यूब, ठीक है। उसके बाद में 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर ही बचा, तो प्लस का 3x स्क्वायर। लाइन ड्रॉ कर दी और अब क्या करना है, साइन चेंज करना है, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, सारे प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे सारी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। मतलब जब प्लस के में से माइनस का सेम नंबर अगर हम जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो आती है। अब यहां पर माइनस का 9x क्यूब है और यहां पर प्लस का 5x क्यूब है, तो माइनस के में से प्लस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो कितना आएगा, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का माइनस 4x क्यूब आ गया। और यहां पर देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है x स्क्वायर वाली टर्म, तो ये आ गया माइनस का 10x स्क्वायर, ऊपर से प्लस का 2x उतार लेंगे और प्लस का 2 उतार लेंगे। अब हमको इसका भाग देना है इसमें, तो देखिए यहां पर x क्यूब वाली टर्म है, यहां पर x स्क्वायर वाली टर्म है, यहां पर माइनस चार है, तो हम क्या यहां पर भी माइनस चार से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां माइनस चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस चार एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन x क्यूब के लिए क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई और करेंगे। अब जब माइनस चार एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का चार एक्स क्यूब आएगा, क्या आएगा, माइनस का चार एक्स क्यूब आएगा, तो लिख दिया हमने माइनस का चार एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद जब माइनस चार एक्स को थ्री एक्स से मल्टीप्लाई किया तो चार इंटू थ्री, मतलब फोर थ्री जा ट्वेल्व, और एक्स स्क्वायर किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में माइनस का चार एक्स को प्लस के वन से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का चार एक्स ही आएगा, तो माइनस चार एक्स लिख दिया हमने। फिर क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है और साइन चेंज करना है, ये हमने साइन चेंज कर दिए, ये तो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पर प्लस के 12x स्क्वायर में से माइनस के 10x स्क्वायर, तो कितना बचा 2x स्क्वायर, किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। उसके बाद प्लस 4x और प्लस 2x कितना हो गया, प्लस का 6x हो गया, और यहां पर प्लस का 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब वापस देखिए, अब मल्टीप्लाई यहां पर तो 2x स्क्वायर है, यहां पर तो 2x स्क्वायर है, यहां पर x स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने लिख दिया प्लस का 2। अब प्लस के 2 को जब मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो हमारे पास में आ गया प्लस का 2x स्क्वायर। उसके बाद में प्लस के 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3x से, तो 3 2 जा 6, तो प्लस का क्या आ गया 6x, ये प्लस का 6x आ गया। उसके बाद में प्लस के 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 ही आएगा, ये प्लस का 2 लिख दिया। लाइन ड्रॉ कर दी और साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज करते ही हमारे पास में क्या आ गया, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और आखिर में हमारे पास में शेषफल क्या बचा, जीरो बचा। तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर। जब जीरो हमारा रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इस पूरी संख्या का एक फैक्टर है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। और कितने टाइम्स गया ये, इसका जो भाग दिया हमने वो आया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। जो क्वोशेंट आया हमारे पास में, q की वैल्यू जो आई है, वो q की वैल्यू क्या आई है, q की वैल्यू आई है हमारे पास में 3x स्क्वायर, ये आई है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, ये हमारे 2 क्वेश्चंस थे। जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे दोस्तों, ये जो वाला क्वेश्चन है 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यदि इसके दो शून्यक
अंडर रूट ऑफ 5 बाई 3 और माइनस अंडर रूट ऑफ 5 बाई 3 है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हमको अदर जीरोज भी ज्ञात करना है, पता करना है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।